हरिंग डालिए दिल्ली सल्तनत सभी छात्र हरिंग डालिए दिल्ली सल्तनत। आज से जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ध्यान देना। अभी आप लोगों के प्राचीन जो इतिहास है उसमें थोड़ा बहुत संगम है, जैसे आपका संगम है, चोल वंश है, चेर वंश है, और ये छोटे मोटे वंश बचे हुए हैं। तो इन छोटे मोटे वंश को हम किसी दिन एक मैराथन ले लेंगे तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे, कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है। लेकिन आज से हम चालू कर रहे हैं क्या, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये क्या है, दिल्ली सल्तनत। तो देखिए आपको बता दें, इसको विशेष दिल्ली सल्तनत नाम क्यों दिया गया है। इसको विशेष दिल्ली सल्तनत नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां पर जितने भी वंश हुए दिल्ली सल्तनत में, ये लगभग 500-600 साल चली, और जितने भी वंश हुए ना सबकी राजधानी कहां पे थी, दिल्ली थी। यानी आप बोल सकते हो कि 500-600 साल तक हमारे भारत का जो केंद्र बना हुआ था वो केंद्र क्या था, दिल्ली था। और दिल्ली में यहां पर कंट्रोल किया गया है, दिल्ली से पूरे भारत को शासन किया गया है। एक से एक राजा आए, कई राजा बने, कई राजवंश चले, मुस्लिम साम्राज्य कई सारे चले, तो क्या हुआ, यहीं से कंट्रोल हुआ है, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया गया है, दिल्ली सल्तनत। अच्छा, इसके बाद भी आपने देखा होगा कि जब दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ तो जब मुगल काल आया तो मुगल काल भी कहां से चला, दिल्ली से चला। उसके बाद अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेज लोगों ने सबसे पहले अपना विस्तार दक्षिण की ओर किया, लेकिन भारत छोड़ते छोड़ते वो कहां पहुंच गए थे, दिल्ली। क्लियर है? तो दिल्ली का जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा पेचीदा है और बहुत ज्यादा हमें पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत का एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए दिल्ली सल्तनत की जैसे बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में जैसे आपने कभी नाम सुना होगा मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, और आपने सुना होगा इल्तुतमिश सुना होगा, या फिर आपने इब्राहिम लोधी सुना होगा, या फिर अलाउद्दीन खिलजी सुना होगा आपने, है ना, और मोहम्मद सैयद सुना होगा। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक इमारतों के बारे में पढ़ेंगे, चौगन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और आपको बता दें ये कुतुब मीनार के बारे में पढ़ेंगे, और अहमद की रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी एक चीज आपको बता दें, ये जैसे ही ये पेज आया तो अहमद ने किसी और चीज को नहीं देखा, दिल्ली सल्तनत नहीं देखा, डायरेक्टली वहां देखा रजिया सुल्तान। और जब उसने रजिया सुल्तान का नाम देखा तो वो आगे वाले किसी व्यक्ति से बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल, बड़ा खुश हो रहा था। देख भैया ये फोटो हमने जानबूझ के लगाया यहाँ पे कि अहमद रजिया सुल्तान को देखे। और ये जो रजिया सुल्तान है, कंडीशन ये है कि आपको सरकारी बनना पड़ेगा, आपको सरकारी एग्जाम निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको रजिया सुल्तान मिलेगी, अन्यथा आपको कोई रजिया सुल्तान नहीं मिलेगी, है ना। और आपको बता दें, इसी रजिया सुल्तान को पाने के चक्कर में हमारे भरतकूप के शहंशाह अहमद खान एकेडमी में लगे हुए हैं। ठीक है, एकेडमी में दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं इसी रजिया सुल्तान को। तो देखिए, रजिया सुल्तान है, कुतुब मीनार है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। क्लियर है? लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि एग्जाम में दिल्ली सल्तनत का पहला प्रश्न बनता है। इसको स्टार्ट करने से पहले दिल्ली सल्तनत का हमारा पहला प्रश्न बनता है कि भाई जो दिल्ली सल्तनत है इसका समय क्या है। तो इसका समय है 1206 से लेके 1526 तक। दिल्ली सल्तनत का समय कितना है, 1206 से लेके 1526 तक। यानी 1206 से शुरुआत हुई थी और 1206 से शुरुआत हुई थी और कब कहां तक चली भाई, कहां तक, 1526 तक। अच्छा देखिए, ये 1206 से 1526 तक ये जो वंश चला है, इसकी शुरुआत हुई है कहां से, गुलाम वंश से। इसकी शुरुआत कहां से हुई है, गुलाम वंश से। और इसका खात्मा कहां से हुआ है, जरा बताइए, लोधी वंश से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इतना जो भी ये 300-400 साल जो भी है
ठीक है, गुलाम वंश से इसकी शुरुआत हुई है और इसका खात्मा कहां से हुआ है, लोधी वंश से। यानी आपका आपके एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किस वंश से हुई है, आपका उत्तर हो जाएगा गुलाम वंश से, है ना। और दिल्ली सल्तनत का खात्मा किस वंश से हुआ है, लोधी वंश से हुआ है, क्लियर है। तो ये जो समय है 1206 से लेकर 1526 तक लगभग 350 साल, 350 साल का समय है। तो इस 350 साल में हमारे भारत में कई बिल्डिंगें बनी, कई राजा आए, कई प्रशासनिक इकाइयां बनी, कई सारे हमारे देश में प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, कई सारे हमारे देश में कला संस्कृति आई, ठीक है। इसके बाद मुगल साम्राज्य आया, मुगल के साम्राज्य के समकालीन ही हमारे भारत में पुर्तगाली शक्तियां आई और फिर लास्ट में हमारा 1947 में देश हमारा आजाद हुआ, ठीक है। ओके, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको पृष्ठभूमि में ले चलता हूँ। देखिए ये जो व्यक्ति देख रहे हैं आप, ये एक छाया चित्र है, ये आप व्यक्ति को देख रहे हैं। तो ये व्यक्ति क्या है भाई, ये व्यक्ति क्या है, इसी का नाम है क्या, इसी का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और ये क्या था, ये एक क्या था भाई, गुलाम था, ठीक है। ये क्या था, गुलाम था, गुलाम, गुलाम मतलब क्या था, ये दास था। अच्छा किसका दास था भाई, मोहम्मद गौरी का दास था, ठीक है। आपको बता दें 1100 ईस्वी के समय मुस्लिम साम्राज्य जो तुर्क के थे, अरब के थे, वहां पर एक प्रथा चलती थी कि जो राजा हुआ करता था, राजा एक गुलाम या कई सारे गुलामों को गरीब लोगों से खरीदता था। ये गरीब लोग कौन हुआ करते थे, उस समय के राजशाही रजवाड़े के ऐसे लोग जिनके पास धन दौलत नहीं हुआ करती थी, पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे, तो धन के चक्कर में वह अपने बेटे को राजा को दे दिया करते थे बहुत छोटे से ही, और राजा उसको अपना गुलाम बनाकर रखता था। राजा के पुत्र भी हुआ करते थे उस समय, राजा के पुत्र भी हुआ करते थे, लेकिन राजा अपने पुत्रों पर विश्वास नहीं करता था। नतीजा वह एक खरीदा हुआ गुलाम अपने पास रखता था। इससे क्या फायदा होता था भाई, इससे फायदा यह होता था कि वो जो गुलाम हुआ करता था वो राजा का बहुत करीबी हुआ करता था, राजा के सभी भेद उसको पता हुआ करते थे गुलाम को। और आपको बता दें आगे चल के राजा उसी गुलाम को अपना उत्तराधिकारी बनाता था। तो आपको बता दें ये जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी का खरीदा हुआ गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके माँ बाप को मोहम्मद गौरी ने पैसा दिया था, और ये मोहम्मद गौरी के साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक रहा करता था। जब मोहम्मद गौरी अपना अंतिम युद्ध भारत पे उसने छेड़ा और भारत को उसने विजित किया, और विजित करने के बाद वो बूढ़ा भी हो चुका था, मतलब इतना जवान नहीं था, बूढ़ा भी हो गया था। जब भारत को उसने विजित किया तो वापस वह तुर्क चला गया, लेकिन यहां पर अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया कि भैया चलो भारत पे हमने अपनी विजय पा ली है, अब भारत को तुम्हें ही देखना है, भारत अपनी ही जमीन है, भारत अपनी ही जमीन है, यहां पे राज करो। तो क्या हुआ, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का पूरा साम्राज्य बनाकर चला गया, ठीक है। अच्छा जब इसको छोड़ा तो इसने अपनी राजधानी कहां पे बनाई, सबसे पहले लाहौर में बनाई, ठीक है, ध्यान देना, लाहौर में बनाई राजधानी, और लाहौर से पूरे भारत को यह कंट्रोल करता था जहां जहां तक इनका साम्राज्य था। तो यहां पर आपका दूसरा प्रश्न बना कि गुलाम वंश की पहली राजधानी क्या थी, वो थी लाहौर। लाहौर पहले भारत में थी, आज लाहौर कहां पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। चलिए तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां पर एक प्रश्न ये भी आता है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और उस समय गुलाम खरीदने की प्रथा बहुत चलती थी, ठीक है, गुलाम ही राजा के बहुत ज्यादा करीब था, कभी कभी गुलाम धोखा भी देता था, लेकिन आपको बता दें राजा उसको इतना सिखाता था, इतना उस पर पैसे खर्च किया करता था कि वो एकदम वफादार हो जाया करता था, राजा का एकदम वफादार। और राजा अपने गुलाम पर इतना ज्यादा भरोसा करता था कि ये मान के चलिए, क्या एक वही है दोस्त, वही है, कहीं नीचे ऊंचे गिरी होगी, देखो, ठीक है, इतना ज्यादा वफादार हुआ करता था कि आपको बता दें अपने राजा के लिए वह मौत के घाट भी उतर जाया करता था, क्लियर है। तो आज से हमारी शुरुआत हो रही है दिल्ली सल्तनत की सीरीज, और इसका एक से एक छोटा पॉइंट और एक से एक बड़ा पॉइंट भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक अच्छे खासे बड़े इतिहास को छोटा करेंगे इस वाले सीरीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये डेटा दिखाना चाहूंगा कि देखिए दिल्ली सल्तनत में हम टोटल कितने वंश पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत में हम टोटल पांच वंश पढ़ेंगे। और देखो अभी मोहम्मद अहमद ने इसका उत्तर दिया है क्योंकि उसे पता है कि इसी वंश में रजिया सुल्तान आने वाली है,
है ना। अभी इसको मैं सिंधु घाटी सभ्यता का पूछ लूंगा तो इसको नहीं आएगा। अभी मैं इसको पुरानी कुछ डेट पूछ लूंगा, ऋग्वेद काल का कुछ पूछ लूंगा तो नहीं आएगा। इसको आजादी की लड़ाई का कुछ पूछ लूंगा तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें रजिया सुल्तान विराजमान है तो इसको पूरा आता है, है ना। और अभी आपको लिख के देता हूं कि आज जो पढ़ा दूंगा ना, और कल जो पढ़ाना होगा वो पहले से पढ़ के आएगा। चलिए देखिए, कभी भी अगर आपको याद करना हो कि भैया दिल्ली सल्तनत में, कभी भी अगर आपको याद करना हो कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश हुए, तो एक मेरी लाइन याद रखना जिसका नाम है माँ का तुगलक, ठीक है। माँ का तुगलक सैयद सैयद लोधी, ठीक है। माँ का तुगलक सैयद लोधी। माँ का मतलब होता है मामलूक, ठीक है। मोबाइल बंद कर दें कृपया करके, किसका मोबाइल बज रहा है यार। माँ का मतलब होता है मामलूक। का के अगला वर्ड खा होता है, तो का से हमने बनाया है क्या, खिलजी, खिलजी वंश। तुगलक कौन सा वंश था, तुगलक वंश ही था, ठीक है। उसके बाद क्या है, सैयद। उसके बाद क्या है भाई, लोधी। तो आपको एक नाम याद रखना है, माँ का तुगलक सैयद लोधी, यानी माँ से मामलूक पहला वंश, का से खिलजी दूसरा वंश, ता से तुगलक तीसरा वंश, और सा सैयद चौथा वंश, और लोधी क्या है पांचवा वंश। तो हमारे दिल्ली सल्तनत में टोटल ये पांच वंश हुए, और पांच वंश को अच्छे खासे राजाओं ने चलाया। लेकिन आगे चल के एक बहुत बड़ा साम्राज्य जिसका नाम है 1526 में जो स्टार्ट हुआ है मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य को ये लोग परास्त नहीं कर पाए, नतीजा हार गए, और वहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। क्लियर है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने वो नोट्स भेज दिया है, दक्षिण का पठार वाला जो ग्रुप है, सॉरी पीडीएफ है, वो आपके मोबाइल में पहुंच चुका है, देख लीजिएगा, उसको नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, जो भी डाउट होगा पूछिएगा। क्लियर है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर जो भी पांच वंश चले हैं, पांच वंश चले हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं कि जो भी ये भाई पांच वंश चले हैं वो कैसे क्या है। ये क्या है भाई, गुलाम वंश। गुलाम वंश क्या है, 1206 से लेके कब तक चला है, 1290 तक चला है। 1206 से लेके 1290 तक चला है कौन सा वंश, गुलाम वंश। उसके बाद देखिए, गुलाम वंश के बाद दूसरे नंबर पे आया खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक यह वंश चला, कौन सा वंश, खिलजी वंश। इसके बाद जरा देखिए, तीसरे नंबर पे आया तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक चला, 1320 से 1414 तक चला। इसके बाद आता है सैयद, चौथे नंबर पे सैयद वंश आता है, 1414 से 1451 तक चला। इसके बाद आता है लोधी वंश, 1451 से 1526। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी, 1526 में इब्राहिम लोधी की लड़ाई हुई थी बाबर से, और बाबर उसमें विजयी हुआ था, और जब विजयी हो गया तो वहीं से उसने वंश चलाया मुगल वंश। 1526 से क्या चलाया, मुगल वंश। और आप सब लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब हमारे भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, उससे 28 वर्ष पहले हमारे भारत में पुर्तगाली आ चुके थे, ठीक है। एक बार जरा इसमें देख लेते, ओके चलिए, ठीक है। अब देखिए, ये पांच वंश हो गए। अब पांच वंश में जरा देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश का संस्थापक था ग्यासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक था किज्र खान सैयद, और लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता करना है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, किसी भी वंश का संस्थापक आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। संस्थापक एग्जाम में बहुत पूछता है, तो एक बार मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए 1206 ये गुलाम वंश के संस्थापक कौन है भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, और खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के ग्यासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिज्र खान सैयद, और लोधी वंश के कौन है, बहलोल लोधी, ठीक है। आप लोग लिखिए मत, सुनिए ध्यान से, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत अच्छा पीडीएफ बनाया हुआ ये मिल जाएगा भैया, मोबाइल मिल जाएगा, है ना। सभी छात्रों से देखो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, तो इसको अगर आप स्मरण करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, है ना, श्रोता बनेंगे ना, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी आप क्या है ना कि इसको सोच रहे हैं कि यार अभी नेक्स्ट स्लाइड ना आ जाए, जल्दी से लिख लेता हूँ, जल्दी के चक्कर में आप सुन ही नहीं पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, ये चीज़ है।
सिर्फ ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे समझाएंगे आपको, इतिहास में नंबर आपके कटेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैप बताने की कोशिश करते हैं कि जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हमारे भारत में हुआ, तो उसने लगभग ये जो क्षेत्र है जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में उसने अपना राज्य किया। अब यहाँ पर जरा देखिए, अगर आप भारत के मैप को बहुत अच्छे से जानते होंगे तो देखिए जहां तक इसकी सीमा है इसने विंध्याचल श्रेणी को पार नहीं किया, याद है ना, विंध्याचल श्रेणी को पार नहीं किया, क्योंकि उस समय विंध्याचल श्रेणी की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी और विंध्याचल श्रेणी के पार कौन सा साम्राज्य है, कौन सी शक्ति है, कितना प्रतापी राजा है, कितना कमजोर राजा, किसी को नहीं पता था। तो कोई इतना रिस्क लेता ही नहीं था कि आपको बता दे विंध्याचल श्रेणी को पार करके उसट जाए। किसी को यह भी नहीं पता था कि यह विंध्याचल श्रेणी को पार कैसे करना है, क्यों, क्योंकि सामने, अब मान लीजिए सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो इधर भी कई किलोमीटर तक गया है, यहां भी कई किलोमीटर तक गया है, आपको नहीं पता कि किस दिशा से मुझे जाना है। तो सीधी सी बात है, आप उस पहाड़ को चढ़ाई करने की कोशिश करोगे, लेकिन जब आपके पास एक विशाल सेना होगी, बहुत बड़ी सेना होगी, तब आप ये रिस्क नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हाथी घोड़े को ऐसे पहाड़ में कैसे चढ़ाएंगे, रथ को पहाड़ में कैसे चढ़ाएंगे, है ना। तो यही कारण था कि कई सालों तक कई सदियों तक, कई हजार सालों तक यह विंध्याचल श्रेणी के उसी पार साम्राज्य का विस्तार होता रहा, नीचे बहुत कम ही आया। हाँ, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनकी सेना इतनी ज्यादा विशाल थी कि वो कहां तक आ गए थे, कर्नाटका तक आ गए थे, ठीक है। हालांकि कर्नाटका तक आए थे, लेकिन सबसे ज्यादा उनका जो विस्तार था वो पूरा उत्तर भारत में ही था, क्लियर है। चलिए देखिए, ये जो साम्राज्य था, ये पूरा का पूरा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक का था, यानी गुलाम वंश का था। जब मोहम्मद गौरी हमारे भारत में अंतिम आक्रमण में आया और भारत को उसने विजित किया, तो भारत को विजित करने के बाद ये पाकिस्तान का जो लाहौर है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठाया, ठीक है। लेकिन ये तो पर्वतीय क्षेत्र है ना, बार बार कुतुबुद्दीन ऐबक को पर्वत में चढ़ना पड़ता था, उतरना पड़ता था, है ना। तो उसने क्या किया कि यार हमें एक समतल राजधानी बनानी है। और आपको बता दें, ये जो यहाँ पर बताया है ना, इन्होंने हिंदू कुश पर्वत के पास जो लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र था, समतल क्षेत्र में जाना था, तो इन्होंने क्या किया, यहां से अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया और कहां पे लेके आए, दिल्ली में लेके आए। अब दिल्ली में लेके आने का मतलब ये था कि दिल्ली देखो सेंटर हो गया, अब दिल्ली से कहीं भी आराम से जाया जा सकता था और पूरे भारत को कंट्रोल किया जा सकता था। इसीलिए इन्होंने अपना गुलाम वंश ने लाहौर के बाद अपनी राजधानी कहां बनाई थी, दिल्ली में बनाई थी, ठीक है। पूरे भारत में देखिए, ये जो पूरा पूरा पिंक एरिया है, ये गुलाम वंश के अंडर में था। यहाँ देखिए पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान, थोड़ा बहुत चाइना भी आ रहा है, फिर इधर भारत, तिब्बत, और फिर इधर बांग्लादेश, असम, बंगाल की खाड़ी, और इधर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये पूरा इलाका, इधर गुजरात का भी एक कच्छ वाला इलाका, ये पूरा किसमें, गुलाम वंश के कंट्रोल में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला देखो महत्वपूर्ण शासक, ध्यान देना, जिसके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक देखो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक एक क्या था भाई, गुलाम था। किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, याद है ना। हमारे भारत में एक मूवी आई थी मोहम्मद गौरी, है ना, ये देखो संजय दत्त मोहम्मद गौरी बना हुआ है, तो कुछ इस प्रकार का उस समय रूप हुआ करता था, इस हिसाब से राजा हुआ करते थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने भारत में आक्रमण किया, भारत को विजित किया, भारत से फिर वापिस चला गया, और वापिस जाने के बाद कई साल बाद फिर उसकी मौत हो गई, लेकिन यहाँ पर छोड़ गया अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, क्लियर है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, देखिए यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210 यह तुर्क था, यानी ये गुलाम कहाँ का था, तुर्किस्तान का था, तुर्क का था, है ना, तुर्क जहां पर यूरोप लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो बता रहे हैं ना कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210, तो ये क्या है, 1206 से लेके 1210 तक इसका शासन काल था। कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेके 1210 तक क्या था, इसका शासन काल था, ठीक है। 4 ही साल जो है ये राजा बन पाया, और 1210 के बाद दूसरा शासक बना, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे।
कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210 यह तुर्क का था और इससे पहले अजीज कूफी ने खरीदा था। किसने खरीदा था इसको सबसे पहले? कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले भाई किसने खरीदा था जरा बताएं? कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले अजीज कूफी ने खरीदा, फिर बाद में गौरी ने खरीदा और यह गौरी का सबसे भरोसेमंद था, तभी इसे उत्तर भारत का संपूर्ण विजित क्षेत्र प्राप्त हुआ। यह इतना ज्यादा क्लोज था और आपको बता दें इतना ज्यादा भरोसेमंद था, वफादार था कि गौरी ने पूरे भारत का साम्राज्य इसके हाथों में दे दिया, है ना, कि जाओ भाई तुम रूल करो और मैं जा रहा हूं दोबारा तुर्किस्तान, मैं वहां पे रहूंगा और आराम से अपना बुढ़ापा गुजारूंगा, तुम भारत को विजित करो, शासन करो यहां पर, ठीक है। चलिए, ऐबक ने युद्ध आदि का सामना अपनी वैवाहिक नीति से किया, ठीक है। ऐबक की एक खासियत थी कि जैसे मान लीजिए उस समय राजाओं का बहुत ज्यादा उद्भव था, राजा एक दूसरे का राज जीतने के लिए लड़ाई किया करते थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता था, लड़ाई से बचने के लिए राजा के पुत्री या राजा की बेटी से जो भी है उससे शादी कर लिया करता था, वैवाहिक संबंध बनाता था, ठीक है, ये चीज है। ऐबक ने युद्ध आदि का सामना अपनी वैवाहिक नीति से किया, इसने गोरी के अन्य मुख्य अधिकारी जैसे यल्दौज की पुत्री से विवाह किया, बाद में अपनी बहन का विवाह सिंध के प्रभावी अधिकारी कुबाचा से करवाया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, शादीशुदा संबंध बन गए। अब शादीशुदा संबंध बन गए तो सीधी सी बात है समधि समधि हो गए। अब समधि 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 हो गए तो क्या लड़ेंगे थोड़ी ना एक दूसरे से, बताइए क्यों, अपनी बेटी दी है, क्यों, दामाद भी तो है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अपनी दूसरी पुत्री का विवाह तुर्क दास अधिकारी इल्तुतमिश से किया, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इल्तुतमिश को, पता है ना, और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, जिसके पीछे पड़ा है हमारा अहमद सुल्तान। यार तू ऐसे क्यों कर रहा है, मैं कौन सी ऐसे बात पे शर्मा गए है, ओहो शर्मा गई क्या। चलिए देखिए, अपनी दूसरी पुत्री का विवाह तुर्क दास अधिकारी ने किसके साथ किया, इल्तुतमिश के साथ किया, और इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। यहां पर प्रश्न आता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश, ठीक है, आया समझ में। आगे देखिए, इसने ना कभी अपने नाम का सिक्का चलाया और ना ही सुल्तान की उपाधि धारण की, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब देखिए 1206 से पहले तो गुलाम था ना, तो गुलाम कैसे कोई उपाधि धारण कर लेगा, इसको टोटल कितने साल मिले राज करने के लिए, 4 साल, और 1210 में तो इसकी मृत्यु हो गई चौगन खेलते वक्त, है ना, इतना अच्छा राजा, इतना पूरे भारत का राजा, मृत्यु कैसे हुई, खेलते वक्त, है ना, लड़ते वक्त मृत्यु होते तो चलो ठीक है बड़ा महान बोलते, खेलते वक्त ये तो वही बात हो गई कि बस जोर से छींक मारी मर गया, है ना। इसने ना कभी अपने नाम का सिक्का जारी किया ना ही सुल्तान की उपाधि धारण की, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, आया समझ में, कहानी समझ में आ रही धीरे धीरे। आगे देखिए, इसने लाहौर से ही शासन का संचालन किया, यानी गुलाम वंश का शासन सर्वप्रथम कहां से चला था, लाहौर से चला था, उसके बाद कहां गया था, दिल्ली आ गया था, ठीक है। इसने लाहौर से ही शासन का संचालन किया और लाहौर को ही राज्य की राजधानी बनाया। इसके सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को गिराया, ध्वस्त किया, ठीक है। वो मामलूक वंश के ही उत्तराधिकारी थे जिसने हमारे भारत के पूरे विश्व भर में सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय, उसको पूरा ध्वस्त किया था, वहां पे जो भी किताबें थी आग लगा दी थी। और आपको बता दें वहां पर इतनी भयंकर किताबें और इतनी बड़ी बड़ी किताबें, इतनी ज्यादा किताबें थी, पूरा पूरा लाइब्रेरी था नालंदा विश्वविद्यालय की, 7 से 8 महीने तक वो नालंदा विश्वविद्यालय चलता ही रहा, ठीक है। अब आप सोचिए कि ज्ञान के मंदिर को जला दिया गया, है ना, ज्ञान के मंदिर को जला दिया गया। अब जैसे मान लीजिए हमारे कई सारे विश्वविद्यालय हैं, कोई आग लगा के चला जाएगा तो देखिए छात्रों का कितना बड़ा नुकसान होगा, है ना। आपको बता दें छात्र का सबसे बड़ा हथियार होता है उसकी किताब, उसका संसाधन, किताबें, कॉपी, पेन, है ना, इसी से तो तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ये वाला पॉइंट याद रखना है। इसके सेनापति यानी गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को गिराया, ठीक है। आगे देखिए, 1210 में लाहौर में क्या खेलते,
चौगन 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 कौन सा गेम होता है? पोलो, इंग्लिश में इसको पोलो बोलते हैं। चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई और इसके बाद आराम शाह लगभग एक साल के लिए गद्दी पर बैठा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा कौन बना? आराम शाह। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो गुलाम वंश का पहला शासक है, उसकी मृत्यु कैसे हुई है? चौगन खेलते वक्त हुई है। ठीक है, और आपको बता दें, देखिए चौगन का एक दृश्य भी मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ये देखिए चौगन कुछ इस प्रकार से खेला जाया करता था, चौगन कुछ इस प्रकार से खेला जाया करता था कि जितने भी राजा लोग हुआ करते थे और राजा के मित्र हुआ करते थे, वो घोड़े पे बैठते थे, वो घोड़े पे बैठते थे और नीचे एक गेंद हुआ करती थी और उनके हाथ में एक स्टिक हुआ करती थी, स्टिक कुछ इस प्रकार से, और उस गेंद को इस स्टिक से मारना पड़ता था और जहां जहां वो जाती थी एक पाले से दूसरे पाले में डालना रहता रहा होगा। अब क्योंकि जानवर का इस्तेमाल करते थे और ये चौगन खेलते वक्त इसकी मृत्यु हुई है, घोड़े से गिर गया, हो सकता है कि घोड़ा जो है भारत का रहा हो और कहीं पर खूंटा बना हो और वो भी ऐसे है ना, और घोड़ा उसके पास जाके उछला हो और ये ऐबक छाती के बल इस पे गिरा हो, एक ही बार में जो है प्राण सीधे यहां से वहां चले गए, है ना। नहीं तो खेलते वक्त किसी की मृत्यु हुई है क्या, जरा बताइए। अब घोड़े से गिरने के बाद मुझे नहीं लगता किसी की मृत्यु होगी, तो ये जरूर वो खूंटा ही रहा होगा जो ऐबक की मृत्यु का कारण बना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, फिर से इसको एक बार पढ़ देते हैं। 1210 में लाहौर में चौगन पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई और इसके बाद आराम शाह लगभग एक साल के लिए गद्दी पर बैठा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, क्योंकि चार साल शासन किया, लेकिन चार साल इसने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, बहुत ज्यादा संस्कृति को बढ़ाया, कई सारी बिल्डिंगों का निर्माण कराया इसने। ठीक है, देखिए सबसे पहले बता दें आपको, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया, कहाँ पे? अजमेर में, याद है ना, अभी अभी जो हम चौहान वंश पढ़ रहे थे, याद है ना, अजमेर में एक संस्कृत विद्या मंदिर का निर्माण कराया था चौहान वंश के राजाओं ने। आपके नोट्स में लिखाया है मैंने कि चौहान वंश ने अजमेर में एक संस्कृत विद्या मंदिर का निर्माण कराया था और उस संस्कृत विद्या मंदिर को तोड़कर इस 2.5 दिन का झोपड़ा वहां पर बनाया गया। और यह है वो झोपड़ा, देख लो ऐसा होता है झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। अब यहां पर आपके एग्जाम में प्रश्न बना कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां बनवाया? उत्तर होगा अजमेर में। किसको तोड़कर बनवाया? अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका नाम पहले विद्या मंदिर था, संस्कृत विद्या मंदिर, है ना। ठीक है, आपको वो कहानी याद आ रही होगी जो चौहान वंश में मैंने बताया था कि वो जो चौहान वंश का राजा का नाम मुझे याद नहीं है, वो जो राजा था वो बड़ा संस्कृत प्रेमी था, संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, इसीलिए उसने विद्या मंदिर, संस्कृत विद्या मंदिर स्कूल की भी स्थापना की थी और वो स्कूल आगे चल के विश्वविद्यालय बन गया और फिर वहीं पर तोड़कर आगे चल के यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कुछ नहीं, एक मस्जिद थी। क्या थी? मस्जिद थी। देखो कहीं से यार, पंखे बंद करो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 2.5 दिन का झोपड़ा है और इसमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया हुआ है, ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया हुआ है। ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखती है, ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखता है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कुतुब मीनार। ठीक है, भारत की धरती पर दिल्ली में बनी हुई कुतुब मीनार बहुत अच्छी इमारत है। और आपको बता दें, ये जो कुतुब मीनार है, ध्यान दीजिएगा, हाँ देखो इसको, मैं इसको भी बंद कर दूँ, इसको बंद कर दीजिए,